श्रीनगर आतंकी हमले में शहीद हुए जवान विशाल कुमार के लिए मंगलवार को सीआरपीएफ ने बड़गाम में पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया। इस दौरान शहीद को श्रद्धांजलि देने पहुंचे डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले जवान को हम नमन करते हैं। प्रदेश में शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों के प्रयास जारी रहेंगे। आतंकियों के इस पागलपन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोमवार को श्रीनगर स्थित लाल चौक से सटे मायसुमा इलाके में दिन दहाड़े आतंकियों ने सीआरपीएफ जवानों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। इसमें दो जवान गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत श्री महाराजा हरि सिंह अस्पताल रेफर किया गया। उपचार के दौरान सीआरपीएफ जवान विशाल ने दम तोड़ दिया। उसे एक गोली लगी थी। दूसरे जवान की हालत स्थिर है और उसे इलाज के लिए सेना के बादामी बाग स्थित 92 बेस अस्पताल शिफ्ट किया गया है। ये इंसिडेंट सबसे पहले तो निंदनीय है और इसकी जितनी मजम्मत सिविल सर्कल्स में हुई है उससे बराबर ये लगता है कि इस तरह का इंसिडेंट, इस तरह का वाकया, जो लोग आम जनता, आम लोगों की सुरक्षा में तैनात होते हैं उनके साथ करें, तो एक बहुत घटिया हरकत है और इस तरह की हरकत किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम लोग इस वक्त अपनी जिम्मेवारी पे सब लोग मिलके पुलिस, सीआरपी और फोर्सेस लगे हुए हैं। हम अपने फर्ज पे डट के पहरा देते रहेंगे। हम अपने शहीद साथी को सलाम पेश करते हैं जो अपनी ड्यूटी के दौरान शहीद हुए, और दूसरे साथी के लिए हमारी नेक दुआएं कि वो जल्दी ठीक हों जिनको कल लगी। इसके साथ साथ जो कल दो वक़्त और पेश आए, नॉन लोकल लेबर को गोली चलाना और जख्मी करना या फिर माइनॉरिटी कम्युनिटी के मेंबर को टारगेट करना, इसकी भी सख्त मजम्मत हुई है। ये बर्बरियत हैवानियत की एक तरह की निशानी है, वैश्याना तरह की हरकत है। जब समझ लीजिए कि कोई जानवर पागल होता है, उस तरह की हरकत है। अनफॉर्चुनेटली ये जो पागलपन है इसका इशारा, इनकी लीश कहीं और है और वो हम पहचानते हैं और उसके ऊपर बराबर कार्रवाई हो रही है। और जब मान लीजिए जानवर पागल होता है, उसका हशर क्या होता है वो भी आप जानते हैं, ऐसा ही हशर होगा। और मैं समझता हूं कि हम लोग अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए आने वाले वक्त में अमन और शांति को और मजबूत करने के लिए अपना काम करते रहेंगे। ये माह रमजान का महीना है जब अमन और शांति की दुआएं आलमी सतह पर होती हैं, और ऐसे माहौल के अंदर इस तरह के वाकयात इंसान की जान लेने के, जो उसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता है, कोई भी सिविल सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। और इसी वजह से कल सिविल सर्कल्स में, कश्मीर में सब जगह खास और आम लोग, हर किसी ने इसकी मजम्मत की है। हम भी इसकी मजम्मत करते हैं और साथ ही साथ जो जरूरी कार्रवाई है वो की जाए। देखिए, ओजीडब्ल्यू की प्रेजेंस हमेशा रही है। वो मंजरे आम पे जब आती है तो थोड़ा सा पता चलता है कि जहां हरकत है वहां हरकत है। अगर प्रेजेंस ज्यादा है तो पुलिस और फोर्सेज की तरफ से कार्रवाई भी तेज करी गई है। बड़ी तादाद में आउट ऑफ सर्कुलेशन ऐसे लोगों को किया जा रहा है, कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ की जा रही है। अगर आप पिछले 3 महीने का आंकड़ा देखें तो अभी तक 42 ऐसे दहशतगर्द जो हवानियत की राख तैयार करके चल रहे हैं उनका सफाया हो चुका है, और इससे ज्यादा बड़ी तादाद जो है ओजीडब्ल्यू की उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा चुकी है। पता है कि जहां हरकत है वहां हरकत है। अगर प्रेजेंस ज्यादा है तो पुलिस और फोर्सेज की तरफ से कार्रवाई भी तेज करी गई है। बड़ी तादाद में आउट ऑफ सर्कुलेशन ऐसे लोगों को किया जा रहा है, कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ की जा रही है। अगर आप पिछले 3 महीने का आंकड़ा देखें तो अभी तक 42 ऐसे दहशतगर्द जो हवानियत की राख तैयार करके चल रहे हैं उनका सफाया हो चुका है, और इससे ज्यादा बड़ी तादाद जो है ओजीडब्ल्यू की उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा चुकी है। तो ऐसा है कि अगर कोई इस रास्ते पर चलता है तो कानूनी कार्रवाई और जो बाकी काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन की प्रक्रिया है वो और तेजी से चलती रहेगी, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। के दुश्मन है, लोगों के दुश्मन है। हमारे पड़ोस के लोगों की पेट में दर्द होती है जब जहां पर हालात बेहतर होते हैं,
लोगों की रोजी रोटी चलती है, इससे उनको तकलीफ होती है, उनको हजम नहीं होती ये बातें हैं। इसीलिए लोग इस बात की हर तरीके से मजम्मत कर रहे हैं कि ये लोगों की अमन पसंद जो लोग हैं उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। कल मैं देख रहा था, लोग कह रहे थे कि ये जो बाहर से लोग आते हैं ये हमारे लिए काम करते हैं, चाहे वो बट्टों पे काम करते हैं, चाहे बाग बगीचे में काम करते हैं, खेतीबाड़ी में काम करते हैं, तमीरियाती काम अगर उसमें लोगों का हाथ बताते हैं, तो हर तरीके से ये लोग जहां की फ्लोर बहबूदी के लिए, तरक्की के लिए काम करते हैं। अगर इनको कोई निशाना बनाता है तो उसको किसी सूरत में कोई जो है वो टॉलरेट करने वाला नहीं है, इसके खिलाफ कार्रवाई। चलिए, एफटी की गिनती जो है उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, मगर एफटी बहुत कम हो चुके हैं। 32 एफटी पिछली बार जो पाकिस्तान की सरजमीन से दहशतगर्दी को चलाने के लिए जहां पर आते हैं, 32 दहशतगर्दों का पिछले साल सफाया हुआ, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। इस साल भी अभी तक काफी अच्छी तादाद में जो एफटीओ न्यूट्रलाइज हो चुके हैं और आगे कार्रवाई जारी है। थैंक यू सर। Thank you.